निवर्तमान मुख्य पार्षद पम्मी वर्मा एवं विजय सेठ के द्वारा छात्रों को सम्मानित किया गया। अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर बाजार समिति के खेल मैदान में बिहार पुलिस में सफल प्रतिभागियों को निवर्तमान मुख्य पार्षद पम्मी वर्मा और विजय सेठ के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बहादुर फिजिकल ट्रेनिंग के अनिल जी के कुशल नेतृत्व को सराहा गया और अनिल कुमार के भी पुलिस सेवा में जाने के लिए बधाई दी गई। इस सम्मान समारोह के अवसर पर निवर्तमान सभापति पम्मी वर्मा द्वारा कहा गया कि बच्चे एवं बच्चियों द्वारा उनके कड़ी मेहनत और कुछ अच्छा कर पाने की लगन के बदौलत बिहार पुलिस में सफल हुए हैं और नोखा का गौरवशाली इतिहास बताता है कि जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं यहाँ बाजार समिति के खेल मैदान में वे एक दिन जरूर सफल होते हैं, क्योंकि इस बाजार समिति के मैदान से बीते कुछ वर्षों में ही 100 लगभग पुलिसकर्मी और अभी कुछ सालों में लगभग 10 सब इंस्पेक्टर इस क्षेत्र से बने हैं। इसलिए आप युवा अपने कठिन परिश्रम और कठिन पढ़ाई के बदौलत अपना मुकाम हासिल किए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, ताकि आप आगे चल कर के सिपाही से दरोगा बने, DSP बने, SP बने और रोहतास जिले के साथ साथ बिहार और देश का नाम रोशन करें। जो बहादुर फिजिकल ट्रेनिंग के द्वारा इस पवित्र धरती से जितने भी हेड कांस्टेबल कांस्टेबल SI निकल कर आए हैं, इनका कड़ा मेहनत और इनके कुशल मार्गदर्शन में जो एक नेतृत्व टीम को दिया जाता है अनिल जी के द्वारा दिया गया, और सबसे खुशी की बात है कि इनके कुशल नेतृत्व में ही इतने लोगों का रोजगार मिला, लोग सरकारी पदों पर गए। यहाँ से हमारे वार्ड की एक बेटी है प्रीति सुष्मिता और प्रीति, एक मेरी भगनी लगती है और एक मेरी भतीजी लगती है। तो ये हमें गर्व है कि हमारे नगर परिषद क्षेत्र से इतना कुशल सुंदर प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार किया गया और आज वो SI के पदों पर काबिज हुई, सिपाही के पदों पर काबिज हुए। इन लोगों के उज्जवल भविष्य और आगे के तरक्की के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं बहादुर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर को साधुवाद देता हूँ कि आपके द्वारा इस तरह का सुंदर प्रशिक्षण जो यहाँ से दे दिया जाता है, वो आने वाले किसी भी कोई भी कठिनाई हो या कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें आप बिल्कुल सफल होइएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से आज हमारी बच्चियाँ इनके